यकीन इस करके तो नहीं सी क्योंकि एक चिट्ठी चर्चा के अजक कि चिट्ठी लिखी गई सी प्रधानमंत्री मोदी नूं कि तुसीं एक अमेंडमेंट कर दो, एक नूं रद्द कर दो, एक इदां छड्ड दो कि कितने उस चिट्ठी तो बाद जिवें अमित शाह नूं चिट्ठी लिखी गई सी कि अमित शाह नूं चिट्ठी तो असीं यह लिखी सी कि अमेंडमेंट कर दो, सोध कर दो, एक रद्द कर दो, पर इह तिन्नों रद्द करते। इस करके तो नहीं कि जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो वी यकीन नहीं सी सानूं, पर वह चिट्ठी 32 जथेबंदियां दे लीडरां नूं नहीं सी पता, जदों कि सिर्फ चारां नूं पता सी कि यह साजिशां हो रही सी पहलां तों ही कि तुसीं इस तरह नबेड़ दो ते बाद दे विच इलैक्शन ने क्योंकि इलैक्शन दे विच देरी हो जूगी, जिवें कि अज्ज उह सिनेरियो सारा बनता हुआ नज़र आ रहा सियासत दे विच एंट्री भी कर ली। ठी वाली जी गल नवी निकली है ये बारे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक गल जरूर थोड़े चैनल के जरिए करूंगा, जिसे कोई प्रूफ है प्रूफ ले आए, आप गौर करा पुछा किन्ने किन्ने लिखी तो क्यों लिखी। चार बंद के नाम ले जा रहे हैं, चिट्ठी भी वह बकायदा सोशल मीडिया से काफ़ी चर्चा के चिट्ठी भी दिखाई गई है कि अमित शाह लिखी गई है चिट्ठी। MSP का रेड़का वह तो बरकरार है, तुम्हारी असली लड़ाई जी हले खत्म नहीं हुई, तुम सियासत के आ गए। जे लोगों ने पावर दी है तो वध सत्कार होगा, दूजी बार वोट नहीं मंगने जावे, असी जो मन च धारी बैठे ना गल दूजी बार वोट नहीं मंगने जावे, एक बार मंगा के कह देंगे लोगों को भी असी ठीक किया वोट पाओ, नहीं तो दिल करता जिधर मर्जी पा दे। विनिंग पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ इमरान खान। किसान जदों तो अंदोलन जित के वापस आए ने उस तो बाद एक तो खुशी मनाई जा रही है तो दूजे पासे किसानां दे वल्लों संयुक्त समाज मोर्चा बना लिया गया जो चर्चा दे विच है। संयुक्त समाज मोर्चा दे विच 32 किसान जथेबंदियां आपस दे विच विचारधारा नहीं मिला सकियां, कुछ अलग हो गए, कुछ दी विचारधारा यह है कि असी चोणां लड़ांगे, कुछ कहिंदे ने कि जेकर इलैक्शन लड़दे ने तां नुकसान होवेगा, शहीदां दा अपमान होवेगा, अजिहियां गल्लां सामने आ रहियां ने। एक चिट्ठी बड़ी चर्चा दे विच है, इह सारियां गल्लां दा जवाब लवांगे। साडे नाल मौजूद ने बूटा सिंह शादीपुर, सब तो पहला स्वागत करदा बूटा जी, स्वागत है जी। धन्यवाद जी, मेहरबानी बूटा जी। सब तो पहला तो मन दे विच यही आया कि हुण बूटा सिंह शादीपुर नूं किसान लीडर कहिए जां फिर सियासतदान कहिए। देखो किसान आगू रहांगे ही तो है, तो किसान आगू है ना, राजनीति कोई किता थोड़ा, किसानी तो किता है ना, राजनीति कोई किता नहीं, राजनीति सेवा है एक, तो किसान तो शुरू तो लैके आ रहा है, तो किसानी किता है, किसानी किते नाल जुड़िया किसान ही रहांगे। पहला तो तुहानू अंदोलन जितण दी किसान लीडर जे तुसी मन्नदे हो अपने आप नूं तां तुहानू बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद जी। तो सवाल मेरा यह आ कि जदों तुसी बॉर्डर ते बैठे सी अंदोलन चल रहा सी उदों लोकां दी विचारधारा की सी, हुण तुसीं जित के आए हो हुण लोकां दी विचारधारा किन्नी कु बदली आ? वेखो उदों जदों आपां अंदोलन शुरू करिया गए नहीं उदों भी लोगों के जो 26 नवंबर को आप गए जोश सी लोगों के बहुत बड़ा, तो जिहड़ा लास्ट तक रहा जो लास्ट तक जोश रहा, बेशक 26 जनवरी भी बिच नूं आई कमजोरी भी पई, एक बार अंदोलन लोगों के वलों यह भी होन लग गया, विरोधी पार्टियां वलों भी साड़ी विरोधी धिर जिहड़ी ही सरकार केंद्र दे अंदर भी यह खत्म हो गया अंदोलन हुण चक्किया गया अंदोलन, पर लोगों के हौसले जिहड़े सी ओह बुलंद रहे ने, हौसले नहीं लोगों के डाउन होए, लोगों ने मजबूती दे नाल उहनूं उस तरह ही फिर वड्डे पद्धर ते चुक्या, चाहे परमात्मा ने कृपा की टकैत दे बहुत साडा सीनियर आगू है उन्होंने अथरू आए जिहड़े हड़ बणिया बाद दे विच हैना, ते उह उस तरह चलता रहा लोगों का यह जोश सी, जोश मठा नहीं पिया लोगों का। कदे गल्लां भी सुनन नूं मिलियां कि एवें ही किसान उत्थे जाके बैठे ने कुछ नहीं बनना, नैगेटिव जाने के होंदियां ने जिवें गल्लां अजिहियां भी सुनन नूं मिलियां उदों ते हुण किन्ना कु फर्क आ उहनां गल्लां दे विच? उही लोक उह ऐ हुंदा जी जदों लोग नैगेटिविटी फैलाउण दा जतन करदे ने ना विरोधी जिहड़े ने उदों कई वार अपने जिहड़े बंदे हुंदे ने उह भी सोचण वास्ते मजबूर कई वार हो जांदे ने, हो जांदियां ने गल्लां बहुत वार इहो जिहियां वी गल्लां होईयां जदों ज्यादा देर एक वार अंदोलन चलदे नूं हो गई ते गल किसे कंडे ना लगी कमजोर पैन लग गया, कमजोर नहीं सी पैंदा लेकिन लोग आपो अपने कामां वास्ते वापस आउंदे हन ते जदों गिनती घट हुंदी सी ते लोग कई वार जदों असीं भी वापस आउणा इत्थे पंजाब ते कई वार लोग कहिंदे सी वेखो यार किते किते जमा ही ना रहि जाईए जे कुछ है मिलदी है लै लो, क्योंकि उदों सरकार दे नाल गल्लां चलदियां रहियां 11 दौर दीयां मीटिंगां जिहड़ियां ने खत्म हो चुकियां सन ते लोग इदां दीयां गल्लां करदे सीगे ते पर फिर भी इह गल लोकां दे मन च हुंदी सी वी यार वेखी जाएगी जो बनेगा, असीं वी अगले नूं तगड़ियां करदे सी वी 2024 तक दा रख्या होइआ प्रोग्राम ली
ਉਡੀਕ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 2024 ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ 2024 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡਟ ਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ 2024 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਧਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 2024 ਤੱਕ 24 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਇਹ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੋਨ ਲੱਗ ਗਏ ਚੱਲਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 18-18 ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਪਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੂਫ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 5 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਆਇਆ 6 ਕਰੋੜ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋੜ ਦਾ 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-4 ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ
सारी जिंदगी कह दें लांबे हो जाओ देश निकाला दे दें तो ही झल लवेंगे भी देश चो बाहर निकल जाओ तुम लोगों फराड किया एक रुपया भी किसी तो लिया एवं कह देना गलत गल आ बिल्कुल असं अपनी भरते हैं इस तरह कली कली जथेबंदी तो गल कही जा सकती है एक दूजे के चिक्कड़ ना सुटन ये अंदोलन बदनाम होंगे आने वाले समय से जो भी कभी अंदोलन लाना पै जाता लोग फिर इन्होंने शक की निगर वेखे पंजी नहीं किसी ने देनी पैसे बगैर अंदोलन नहीं चलता अंदोलन तो हूँ तार पीडो चलो अंदोलन जित गए वधिया गल आ लोग भी समर्थ पर आ गल है ना ये गल टेलीविजन तुहाडे वाले ते जाके मैं किसी ते चिक्कड़ सुट्टा माड़ी गल आ तुसीं बह के गल करो जे शक है इस दे पिछे कारण कि तुसीं जिहड़ियां 22 24 जथेबंदियां सियासत दे विच एंट्री कर गईयां ओह वख हो गईयां उस तों बाद सुभाविक सी अजिहियां गल्लां उठणियां नहीं वेखो आम उत्थे भी गल्लां चलदियां हुंदियां हन पहलां यार ये गल्लां बाद च हुंदियां ने होणियां ने होणगियां मैं कहना अपने आप नूं तुसीं रखो आपां ऐ ना कहीए मैं ना कहां कि बूटा सिंह शादीपुर बहुत साफ आ बाकी सारे खराब ने ऐ नहीं गल कहूगी जे आपां अगले कन्नी उंगलां करदे आ चार अपने कन्नी हुंदियां ने पहलां अपने हल्ले वेखणा चाहीदा वी मैं अपने आप साफ आ अपने आप नूं साफ रख के चलो किसे दा उह तां कहिंदे ने वी तुसीं अपने आप वल वेख लो दूजिआं ते छड्ड दिओ कहानी परमात्मा ते छड्डो यार जिहड़ा करेगा सो भरेगा तूं क्यों फिरिआ दास ठीक है कि नहीं इस गल मेन चलनी चाहीदी है जदों दो वार मेरा ख्याल है रविंदर ने उत्थों अनाउंस किया है ना किया ना ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ SKM ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਹਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 22 24 ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ 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 ਬਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ ਦੋ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ SKM ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਆ ਜਾਓ 5 ਆ ਜਾਓ 15 ਆ ਜਾਓ 20 ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਹ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ
कैंसिल करवा देना जे आप उन्होंने सारे सत्कार देना है ये कैंसिल करवा देना राष्ट्रपति राज लागू करा लैन फिर इतने जे इन्हों वधिया चंगा लगता तो ये गलत गल्लां ने असी इलैक्शन लड़ते हाँ तो उन्हों का अपमान हों जे ये इलैक्शन वरिंदर हुणी लड़ते हैं तो फिर सही गल आ ये गल नहीं हैगी उन्होंने मतलब तो कहने का यह है ना क्योंकि किसानी अंदोलन के शहीद होए ने नहीं किसान ही सी साडे किसान ने असी उन्होंने सत्कार करते हैं ऐसी गल को नहीं भी असी उन्होंने अपमान कर रहे हैं ये एक गलत गल है लोगों के प्रचार वाली गल आ असी असी उन्हों का वेखो असी अपने तौर पर जिन्ना चिर उत्थे बैठे रहे हैं साढ़े नाल संत महापुरुष सीगे जिन्होंने लंगर लाए सीगे उन्हां नाल साडी गल चलदी रही है भी सरकारां खरे करन के ना करन सरकारां करन जा ना करन आपां शहीदां दी यादगार बनाउणी है इत्थे वो भी साडियां चर्चावां चल रहियां ने असीं कर रहे हैं सारा कुछ उहदे उत्ते भी साडी उहदे भी सर्च चलदी है भी सारा कुछ करांगे सत्कार बनदा हुण वेखो जिहड़ा चलिया जांदा है उहनूं आपां वापस नहीं लिया सकदे सानूं उहनां दे परिवार नालों भी वड्डा दुख आ जिन्हां परिवारां दे मैंबर ने उहदों वड्डा दुख पर आपां वापस नहीं लिया सकदे हुण ऐ तां नहीं हो सकदा भी आपां जे इक साइड ते बैठ जावांगे आपां इलैक्शन नहीं लड़दे फिर सत्कार ज्यादा होगा जो इलैक्शन लड़द घट जूगा नहीं वो सदा साढ़े दिल में रहनगे ये जित जी असी उन्होंने समर्पित की शहीदों के कारण ही है जित हुई है सत्कार तो नहीं फर्क उदा के कारण शहीदों के कारण जित हुई है असी तो एक सिस्टम जोड़ा है ये लोगों की आवाज़ उत्ते असी उठे हाँ बिल्कुल साड़ा कोई प्रोग्राम नहीं इलैक्शन लड़न का इमरान जी जे असी इलैक्शन लड़न का जिमें ये कर रहे हैं कुछ बंदे प्रचार भी जे साडा इलैक्शन का प्रोग्राम हों उतों बैठे पार्टी पहला ही यही लॉन्च की होंगी वो तैयारी की होंगी अपना चोन निशान लिया होंगे तैयारी करके होंगे बिल्कुल कोई तैयारी नहीं कहते ने भी उम्मीद नहीं ना किसानों को इन्नी छेती यह खेती कानून रद्द हो जाएंगे नहीं नहीं जिस दिन रद्द होए ना हुण तां असीं तां लॉन्च तां परसों करी है जी ते किन्नी तरीक तक बूटा जी किन्नी तरीक ते रद्द हो गया एक गल होर आ इहदे विच तुसीं चलो संयुक्त समाज मोर्चा बना लिया पर हाले तक सिंबल नहीं मिलिया टाइम जिहड़ा चोण जापदा कुछ दिनां दे विच लग जूगा की लगदा जी इह च वो फिर उही गल है ना जे साडी कोई तैयारी हुंदी मैं उही जवाब दूं दे रहे भी साडी तैयारी हुंदी असीं पहलां करदे पहलां करके तैयारी अपना चोन निशान अलाट कराउंदे चोन कमिशन कोल साडी पार्टी रजिस्टर्ड हुंदी उत्थे साडा कोई नहीं सी विचार इह तां लोकां दी आवाज़ एकदम उठी लोकां दे अंदर जोश सी लोगों ने गल आख्या भी सिस्टम बहुत गलत हो चुका सरकारां लालच देन लग गई भी पंजाब की जवानी नू भी तुसी पढ़ो प्लस टू करो पैसे चको ते बाहर जाओ असी सोचा भी सारा कुछ इदां रहूगा फिर चिट्टे दे लाती दुनिया वेखो किन्ना रौला है जवानी खत्म होंदी जा रही है ना ते असी फिर जदों लोगों की आवाज़ उठी है लोगों ने आवाज़ उठाई भी तुसी अगे आओ एक बार सिस्टम नू चेंज करना चाहिए जेकर तुसी केंद्र की मोदी सरकार झुका के सरकार नू तुसी जिम्मेवार मान रहे हो जी चिट्टे की गल करी है तुसी बाहर जाओ तुसी कि सरकार मैं तुसी सारा समझते हो दुनिया में समझते चल मैनू की लोड़ है ना लैन की जिन्हू सट बजती उन्होंने पता लग जाता भी किन्ने मारी है ना तो इस करके अपन लोड़ की है सारी दुनिया जानती है भाई इस करके ये लोगों की आवाज़ उत्ते असी आए हैं अगे तो लोग प्रवान करे भी गल ना लिया लोग प्रवान करे मैं अज हमने दस रहा ही मेरा साथी कोई किसी आगू ने कोई गल कहती होनी है लोग मतलब जवाब दे रहे हैं लोगों अपने व्यू दे के जवाब दे रहे भी की गल सारी जिंदगी ठेका ले लिया भी सड़कों से लड़ता है सड़कों से बह के डांगा खाते रहिए असी उत्थे जाओ जिथे कानून तुहाडे खिलाफ बनते हैं उत्थों रोक लाइए कानूनों उन्होंने रोक के ते अपने लोगों के हकों के असी कानून ही यहोजे बनवाओ सानू सड़कों के रुलना ही ना पै लोग गल करते हैं बाकी जो परमात्मा मंजूर होगा वो होना है साड़ी यही सोच आ भी कानून एक बार रद्द हो गए बड़े जोर नाल सारा देश इकट्ठा होया MSP का रेड़का वो तो बरकरार असली लड़ाई जी तो हले खत्म नहीं हुई तुम सियासत के आ गए वेखो ये गल आ सियासत जाके भी कर सकते हैं कोई चक्कर नहीं है दोबारे सारे कट्ठे हो सकती सारा कुछ होजूगा जिदन 32 जथेबंदियों मैं कट्ठिया करने वास्ते तुर मेरे दोबारे फिर कहनी पैगी कुदरत का करिश्मा से भी जिमें टकैत साहब वाला होना वो भी एक कुदरत का करिश्मा से 4 अगस्त को जिदन मैं चलिया लोग टिकत करते 4 अगस्त को जिथे आप पुनरहेड़ी बैठे ही पुनरहेड़ी तो जो अं तुरन लगे लोग टिचर करते भी एवं तुर पैने किन्ने पुछना है कितने कट्ठे हो लगे ने यह गल वैसे लोगों की सही सी माड़ी गल नहीं लोग सोचते सन भी एक परिवार के 4 मैंबर नहीं कट्ठे होंगे ये एवं 10 गड्डिया लैके इधर तुर पैने किन्ने पुछना है इन्होंने पर मैं परमात्मा ने कृपा की वह कट्ठे हो गए इसे तरह ही हूँ भी कट्ठे रहेंगे जे लोड़ पई दुबारे फिर भी कट्ठे हो गए अंदोलन जोड़े ने कट्ठिया हो बगैर नहीं लड़े जा सकते तो ना वो जितते जा सकते हैं कट्ठिया सारे होना पेगा ये जरा कुदरती गंढ बज गई है ना इमरान जी ये गंढ बजी रहनी है हुण तुसी कह रहे सी भी वो विरोध कर रहे हैं
मैं तुहानू ये गल दस देना होर पांच चार दिन तक देखियो साढ़े नाल होने ने सारे सारे कट्ठे कर लेने ने सी हर एक दा तरला करांगे भावे सानू जो मर्जी करना पए लोकां दी आवाज आपां लोकां दी आवाज सुननी है लोकां दी आवाज ते अंदोलन चलिया सीगा आपां लोकां दी आवाज सुन के संगत दी आवाज सुन के जनता दी आवाज सुन के फैसला तां ही कीते जांदे ने ओह लोक तुहाडे नाल जिहड़े जथेबंदियां लीडर ने ओह चलो इकट्ठे हो जाणगे कि लगदा तुसीं पहलां लोक तुहानू समर्थन दे रहे सी पूरा सत्कार होया तुहाडा जदों जित के आए हो एक बड़े मंत्री तरह तुहाडा स्वागत होया हर किसी लीडर का हर छोटे तो छोटे किसान का भी स्वागत होया पर की लगता जेकर तुसी सियासतदान बन जन्ने हो सत्ता दे विच हुन्ने हो तुसी सियासतदान बनन तो बाद तुहानू इन्ना सत्कार इन्ना प्यार मिलेगा लोगों का वो कम ते प्यार हुंदा ये कम सी एक वो भी कम है जे लोगों ने पावर दी मैं थोड़े नाल एक वादा करदा जे लोगों ने पावर दी है तो वध सत्कार होगा दूजी बार वोट नहीं मंगने जावांगे असी जो मन च धारी बैठे ना गल दूजी बार वोट नहीं मंगने जावांगे एक बार मंगा के कह देंगे लोगों ने भाई असी ठीक किया वोट पाओ नहीं तो तुहाडा दिल करता जिदन मर्जी पा दिओ कम ही इहोजे करांगे लोग अपने आप ये सत्कार भी देणगे असी उन्हां दा उदू ज़्यादा करांगे जनता का सत्कार वध करोगे तो जनता तुहाडा करूगी जे तुसीं यही सोचते रहो कि साडा सत्कार लोग कर दे कभी भी नहीं हुंदा असी जनता का सत्कार करांगे तो जनता जिवें जनता नूं चंगा लगे जनता उवें करूगी सत्ता दे विच आउण तों पहलां लीडर भी तुहाडे वर्गियां गल्लां करदे ने जिवें तुसीं कहा असीं वोट नहीं मंगण जावांगे असीं कम करांगे कम ते वोट पवेगी अरविंद केजरीवाल भी इही गल कहिंदे ने होऊगा ते हुण तुसीं भी इही गल कह रहे हो पर जदों सत्ता दे विच आ जांदे हो तुहाडे हत्थां च पावर आ जांदी आ फिर तां बूटा जी फोन चुकणों भी हट जांदे ने कदी भी नहीं जी मैनू अगले दिन फोन आया एक इधरों मैं कुछ कदी भी मैं नाम नहीं लूंगा इत्थे जथेबंदियां दे लीडरां दी गल करूंगा हले ओ तुहाडे नाल ही ने ओ ਉਹ ਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਵ ਨੇ ਪਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਮਿਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋਗੇ ਕੰਨੀਓਂ मैं चुकया अन्नो नंबर सीगा उन्हें किसी को फोन करा लैके मैं जदों फोन आवे जे फर्ज कर लो आप उठ रहे हैं कट गया मैं उन्होंने बैक कॉल करनी है भावें रात का टाइम केड़ा भी हो तड़का है पिछला टाइम है बिचला आ जदों मर्जी फोन आ गया मैं उन्होंने बैक कॉल करदा जदों मैं फोन चक लिया ना उहदा वह कहिंदा जी पहली तो गल है तुहाडा धन्नवाद मैं जी मेहरबानी धन्नवाद कहते मैं कितों बोलते कह रहा मोगे तो बोलता मैं किसी तो नंबर लिया कहना भी जिन्हें भी कर लिए चुकते नहीं मतलब उन्हें गल कही थोड़े वाली ये आपको अपना सुभाव हों ठीक है फोन मंत्री भी बन जाने चुकन गए गल ही थोड़े वाली रख देंगे भाई गल सुनो अज तो बाद फोन जरूर चुका करो थोड़े लामे आते हैं मैं समझ गया थोड़ी गल जो इशारा जो अं सारे कर ली सारे पता लग जूगा फोन चुकना बहुता जरूरी है किसी न कोई मजबूरी से बंदा फसया जे रात को करूगा चलो दिन वाला तो अगला बाद भी करना रात को जो कोई फसया है कि पता नहीं कितने अड़ गया कोई रात को फोन चकना भावें कोई मुख्यमंत्री है भावें कोई मंत्री है भावें साधारण आ उन्होंने फोन चुकना जरूरी है जे कोई करता वो पता नहीं कि समस्या से फसया वो की अपने को आस पिया रखता उस टाइम है ना फोन जरूरी चुकना चाहिए भावें किडे तो कि व्डे तो व्डा लीडर बन जाए व्डे तो व्डा आगू बन जाए फोन जरूर चुकना चाहिए चाहे रात हो चाहे दिन हो साड़ी कोशिश यही है भी सुधार है जिहड़ा ये लोगों ने मंग की है भी तुसी अगे लग के सुधार वाले पासे नूं वधगी आपां पंजाब नूं अगे लिजाण दी गल करिए जेकर तुसी एंट्री करदे हो इहदे विच ते हो सकदा है सुधार हो जाए सुधार करके आए हां कोई एंट्री तुसी करके किसे दे नाल गठजोड़ करोगे क्योंकि आम आदमी पार्टी दे नाल गठजोड़ दी चर्चा ने वेखो उह कोई साडे कोल कोई गल नहीं असी उहदे 117 सीटां जिहड़ियां ने 117 अपना क्या है भी असी 117 सीटां ते इलैक्शन लड़ांगे ते उम्मीदवार हो जाणगे समा लगता है आखिरकार कोई गल नहीं सारा कुछ हो जूगा हुण थोड़े खड़िया खड़े मेरे को 5-7 फोन आ गए ही उत्थे जिथे आप खड़े सीगे चाह पी के उठे हाँ 5-7 फोन आ गए जथेबंदियां जी मेरी टिकट जरूर रखियो मतलब हालात लोग कह रहे ने कि यार साडी टिकट लंघ दे कट जा साडी रखियो मैं यार कोई गल नहीं जे ना कितों मिले मैं अपने वाली छड्ड दूंगा तुहानू दे देंगे ठीक है कि नहीं एडी कोई गल नहीं हैगी तुसी मतलब तगड़े होके जुड़े रहो जिते जुड़े रहो टिकटां दा ना रखो जी मैं कांग्रेस च कलेश चल रहा आम आदमी च किते किसान लीडर च ना चलूगा कलेश नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं होगा जी बिल्कुल नहीं होगा जिहड़े अंदोलन नाल लोग जुड़े ने साडा वेखो इक फार्मूला आ भी जिहड़े लोग अंदोलन नाल जुड़े होए लोग ने जिन्हां दी पहचान बनी है जेडे मेन जिम्मे फर्ज कर लो डॉक्टर स्वायमान की गल कर लो लोग भी ने कारोबारी जिन्होंने बड़े बड़े पद्धर के उत्ते अपना सारा कारोबार बाहरली कंट्री चो छड़ के इत्थे आके जुड़े रहे मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा उन्हें लड़नी नहीं लड़नी लग लिया कुदरती मेरे ध्यान चो ही आ गई मैं लड़ दे आप ही लड़ असी कौन दे असी नहीं असी टिकट देने वाले नहीं मेरे
कुदरती ध्यान च उही आ गया भी सवेमान ने बड़ा बहुत बड़ा उत्थे योगदान पाया। मतलब इस तरह के लोग जिहड़े ने वो हकदार ने इस चीज़ के जिन्हां जिहड़े चेहरा बन गए उत्थे जाके, है ना, ते उहो जिहे बंदिआं नूं अगे आउणा चाहीदा। जरूरी नहीं कि बूटा सिंह शादीपुर लड़े, उहो जिहे बंदे जिन्हां ने बड़ी वड्डी सेवा कीती उहो जिहे लोकां नूं अगे आ के ये ढांचा बदलना चाहीदा। सिस्टम जिहड़ा बहुत गर्क चुक्या, वेखो अज पंजाब दे सिर ते किन्ना 3 लाख करोड़ का करजा है। कोई पार्टी ये गल नहीं कह रही भी असीं करजा ला के जवानी नूं कोई सेध देवांगे। जवानी अपने घर बह के काम करे, अपने घर बह के अपने परिवार नूं पालण दा उहदे कोल पूरा सिस्टम होवे भी अपने परिवार च बह के अपने बच्चों नूं पाले। तो हुण बाहर नूं भेजण दीआं गल्लां चल रही ने। पंजाबी पंजाब तां अगे खाली होया पिया, पंजाब बहुत ज़्यादा जे दुआबे वाले चले जी अपने जे घट आ उधर, तो लोग मेरे ख्याल घरां दे घर खाली होए पए ने। इस करके इहो जिहा कोई सिस्टम बणे लोक मजबूरी बस बाहर नूं ना जाण, मर्जी नाल जाण, मर्जी नाल जाण, मजबूरी नाल ना जाण। तुसीं की ढांचा तैयार करिआ कि लोक तुहानूं समर्थन भी देण, लोक तुहाडी गल्लां ते विश्वास भी करन ते लोक तुहानूं वोटां भी पाउण? की तुसीं सारी रणनीति बणाई आ? उह तुहाडे कोल कुछ दिनां दे अंदर जिहड़ी साडी कमेटी बनाई उह तैयार कर दूगी, उह तुहाडे कोल सामणे सारा कुछ नशर करांगे। असीं इही कर रहे हां कि नौजवानी नूं किवें बचाया जावे, कारोबार किवें खड़े कीते जाण, सेहत सहूलतां लोकां नूं किस तरह दित्तियां जाण भी जिहदे विच हर एक बंदा चाहे वड्डा चाहे छोटा है, कोई जिमीदार है चाहे कोई वड्डा है, चाहे कोई मेहनत करन वाला है, दिहाड़ी करदा है, मजदूर आ, कोई भी है, दुकानदार है, व्यापारी है, छोटा मुलाजम आ, हर एक नूं सहूलत जिहड़ी है सेहत दी मिले, ते सिक्ख्या जिहड़ी है वो जिहड़ी सेहत ते सिक्ख्या इह जे किते कोई भी स्टेट आ जे उह फ्री कर दिंदे ने ते उहदे नाल लोकां दा बहुत वड्डे पद्धर ते हुंदा है। आटे दाल चौल वाला जिहड़ा सिस्टम आ, चलो ठीक है, हर एक ने आपो अपना इह खेडिया होइआ पत्ता, ये चीज़ा भी चलदियां ने, लेकिन इहो जिहियां चीज़ां जिन्हां दी बड़ी वड्डी जरूरत आ जिहड़े लोक अपनियां करवा नहीं सकदे, इदां दीआं सरकारां नूं करनियां चाहीदियां ने। हुण असीं अगले दिन गल करी सी, प्रैस कॉन्फ्रेंस भी कीती मेरे लखा बाई सी, हैं भी किन्ने लोक बाहरों लिया के रख ले, 300 बंदा भर्ती कर लिया पुलिस दे विच जिहदे च पंजाब दा एक भी नहीं। वेखो वो कित्थे गया साडा पंजाब है, जिहड़ा पंजाब किधर नूं जाऊगा, कौन पंजाब नूं संभालेगा? ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਰੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ 80% ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 70% ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80% ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, 80% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਖਣੇ। ਬੁੱਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। 2022 ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2022 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਉੱਦਣ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਊਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਆਪ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਏ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਦਣ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੇਖੋ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਾਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ
बाकी जो तो किसान लीडर के करके असं समर्थन करते किसान करके, पर हूँ सियासतदान ने सियासतदान असं कोई समर्थन नहीं कर। नहीं बिल्कुल, वेखो जे कोई विरोध वाला ही काम करेंगे तो लोगों का हक बनता, पब्लिक का हक बनता विरोध करना, सीधे रह जे अं पुठे रह तुरंत कन्नों फट के सीधे रह कर हक है उन्हों का, ठीक है कि नहीं, वो कर ठीक है। जे जे कोई यहोजा काम करा तो करे, तो जे असी मौका ही ना दिता, जो उन्होंने सू पावर देते ही मौका ही ना दिता फिर तेने विरोध करते, असी मौका ही नहीं देना बिल्कुल भी। थोनों मैं पहला भी दसिया जेकर जनता सानू ये सुधार दे विच मौका देंदी है भी तुसीं पंजाब दा सुधार करो अगे लगो, तो मैं तुहानू पहला भी दस्या भी दूजी यार वोट मंगन नहीं जावांगे बिल्कुल भी, जे काम करे होणगे तां पब्लिक कहूगी भाई तुसीं उह तुहानू वोट पाउणी है, जे माड़े काम होणगे साडे ते लोक आखणगे चल दे बणो, इदां होऊगा बिल्कुल। इदां पहला मैं एक गल कीती सवाल गया सी गठजोड़ किहदे नाल करोगे, गठजोड़ दी जे मैं तुहानू दस्या कोई गल नहीं जी, वेखो एक ना कोई भी पार्टी हुंदी है पार्टियां अधिकार दिंदियां ने है ना, तो साड़ी भी एक हुण इस टाइम आप जो मर्जी कहिए पार्टी तो बन गई, साडा मोर्चा साडा मोर्चा बनया है, तो साडे मोर्चे के भी आगू ने राज्यपाल जी, जो राज्यपाल जी को चंगा लगेगा जो करनगे असीं तां उन्हां पिछे आ उन्हां दे, यानी कि गठजोड़ तां होगा नहीं, वो दस सकते हैं, मैं नहीं कुछ कह सकते इहदे बारे, वो राज्यपाल जी दस सकते हैं भी होना है कि नहीं, सानूं तां जिधर उन्होंने तोरिया असीं तुर पैना उधर असीं तां उस तरह तुर रहे हुण, जो ये कम तां ही चलते हैं जे आपां मोर्चा जितते आए ना, उत्थे भी दो तीन आगू सीगे बनाए साडे मेन जिहड़े जाके जदों सरकार नाल गल करदे 40 बैंदे सी गल्लां दो तीन जने करदे सी, ते कोई भी कामयाबी हासिल करन वास्ते जे सारे आपां उस अंदर कावां रौली पाई जांदे ते अगला भी कहिंदा यार तां पता नहीं कित्थों आ गया टोला है ना, इस करके कमला वो लोग इदां दीआं गल्लां करदे आ, इस करके सानूं हुण जिहड़ा अहीं मोर्चा तैयार कीता उहदे विच भी कोई इहो जिही रणनीति उह बणूगी, साडे आगू ने इक होण दो होण उह जो करनगे सानूं मंजूर होऊगा, मुख्यमंत्री दा चेहरा राजेवाल जी होणगे, हां बिल्कुल उह क्लीयर है कि मुख्यमंत्री दा चेहरा साडे आगू जिहड़े ने राजेवाल जी ने जनता प्रवान करदी है सब तो ठीक है बिल्कुल, जेकर बदला जरूर लैके जेकर गठजोड़ हुंदा तां किन्नीआं सीटां दी मांग करदे हो, ये बारे भी उ दसनगे हूँ, मैं कुछ नहीं कहना, हाँ जो भी कर, मैं तुम्हें पहला कहता भी जो करे उ करे, जो राज्यपाल जी ने चंगा लगता है वो करे, गठजोड़ कर ना करने 117 सीटा का ऐलान कर, जो उन्होंने कहता भी नहीं घटते लड़ना है अभी कह देंगे 7 बजे जो मर्जी कर लो, अभी तो 117 सीटा का ऐलान करके आए। तो एक गल होर आखिर अंदोलन एक साल रहे हो, एक साल तो बाद पिंड आ गए हूँ, किमें वो समा याद भी आता वो लोगों के नाल एक सांझ पै गई सी, लोगों के नाल भी यादगारियां बन गई तुहाडियां, वो समा भी किस तरह पिंड आके किवें दा लग रहा वो समा ते ये समा किन्ना क अंतर? वेखो जी एक करते हर कदा दिल करता उन्हूं है ना, भावे किन्ना चिर आपां बाहर रह लईए सारे परिवार वो जिहड़े लोग सन उत्थों वाली जिहड़ी जनता सी संगत सी पब्लिक सी जिहड़ी उन्होंने प्यार बहुत वड्डा दिता सानूं, एक साल ऐ लंघ गया जिवें एक महीने वांगू लंघ जांदा पता ही नहीं लग्या कि इन्हां लोकां ने प्यार ते सत्कार दिता, ते जिद्दण आए आ वो अक्खां उन्हां दीआं वी नम हुंदीआं सी ते साडीआं वी नम हुंदीआं सी, ठीक है जी, बहुत वड्डा सत्कार सी, याद आउंदा हुण वी साडे फोन फाण उधर उधर इही गल्लबात कर आखरी सवाल बुट्टा जी कित्थों चोण लड़नगे? नहीं ये कोई पता नहीं, ये भी उन्होंने नहीं पता जी, राज्यपाल जी होरां जिहड़े साडा हुण जथेबंदी बन गई मोर्चा बन चुकिया है उन्होंने कदों लड़ाउणी है नहीं लड़ाउणी ये उन्हां दा काम है, जो होगा मंग तां करोगे ना, एक उम्मीद होंदी आ कि मंग करोगे, मंग कर कित्थों करोगे मंग, कहिंदे आप दी आ तो दूध बरोबर मांग ली आ तो पानी है जिथों कहणगे, पर अजकल तां इह गल आ ना वी बिना मंगे तां मां दुध वी नहीं दिंदी हैगी, चलो वो आपां सलाह कर लांगे इमरान जी थोड़े नाल ही कर लांगे, जिथों कहोगे आपां देख लांगे फिर। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर जिन्हां दे वल्लों उन्हां गल्लां दा जवाब दित्ता गया जो हर कोई पुछ रहा, क्योंकि सवाल वड्डे उठ रहे ने जदों तों अंदोलन जित के आए ने किसान, उस तों बाद सियासत दे विच एंट्री होगी, कुछ जथेबंदियां अलग हो गईयां आपस दे विच, जिहड़ा तार पिंडो कह सकदे आ आपस दे विच जिहड़ा इहनां दा विचारधारा नहीं मिल रही, सो विचारधारा मिलाउण वास्ते बुट्टा सिंह ने साफ कर दिता कि असीं सारे इक हाँ, एकता दे विच बाला, पहलां भी इक हो के अंदोलन जित्तिया, हुण भी असीं कुछ दिनां दे विच उहनां नूं नाल मिला लांगे, देखणा होवेगा कि आखिर कि किसान लीडरां दे वल्लों जिहड़ा संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया लोक किन्ना समर्थन देणगे, लोक किन्ना विश्वास करनगे, ते आखिर सत्ता दे विच आउंदे ने जां नहीं आउंदे ये तां आउण वाला समां दसेगा, ते गठजोड़ करदे ने जां नहीं दसणा, नहीं गठजोड़ करदे तां ये भी कुछ दिनां दे विच स्थिति साफ हो जाएगी। होर भी तुहानूं गल्लबात होर भी लीडरां दे विचार तुहाडे तक लियाउंदे रहांगे, लगातार बने रहो बीनिंग पंजाब दे नाल।